कलाकरम कहते हैं और यहीं बल्तिस्तान बल्तील में पैदा हुआ। तो अब बल्तील में फन हुनर, हर तरह के फन हुनर बहुत ही ज़्यादा, तो उनमें से खासकर ख़ास व आम सबको नज़र आने वाला आने वाली जो फ़न है और आने वाला वो इल्म है वो लकड़ियों पर काम है। अभी आपने देखते होंगे इधर बल्तिस्तान के कदीम जितने भी बड़े बड़े घराने हैं या घर है या महल है उन पर लकड़ियों पर काम किया हुआ नज़र आते हैं। तो आम लोगों को मालूम नहीं है तो उन्होंने कहते हैं कि ये देखो लकड़ी पर कितना खूबसूरत फुलकारी की है, कितना ज़बरदस्त नक्श व निगार किया है। हालांकि वो नक्श निगार नहीं है, वो यहाँ की जो ज़बान है बल्ती ज़बान या तिब्बती ज़बान या कदीम मंगोलियन ज़बान या सोस्पोन की ज़बान, उसमें ये तमाम बातें खूबसूरत तरीके से लिखे हुए हैं। लकड़ियों पर वो तमाम बातें लिखी हुई हैं और उनमें सबसे नुमायां, सबसे मुकद्दस, सबसे मुतबरक बाबरकत जो लिखते हैं उसको यूर्दुम कहते हैं। यूर्दुम यूर्दुम कहते हैं, यूर्दुम का मतलब यही मुकद्दस तबरक बाबरकत है। वो जितने भी अहम गुजरगाहें हैं या दरवाज़ा है या दरवाजे के ऊपर का जो हिस्सा है या कहीं कोई ख़ास जो इमारत है जो सबसे ज़्यादा मुकद्दस या सबसे ज़्यादा एहतराम किया जाता है वहाँ वो सबसे ज़्यादा लिखे जाते हैं। फिर उसी तरीके से और भी जितनी भी वो नक्श व निगार है और उसमें पूरे यानि खलाओं में, आसमानों में, ज़मीनों में, समंदरों में या जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ वजूद में आए हैं या आते हैं या आना है उनके बारे में अलग अलग लिखे हुए होते हैं। और ये तमाम लिखाई है या वुड वर्क है और उन वर्क पर जो आराइश और ज़वाइश है आज के चंद हज़ार साल में नहीं है, ये लाखों साल पहले से लेकर अभी तक मुतवातिर मुसलसल चले आ रहे हैं। और वो तमाम आपने देखते होंगे खिड़कियों की, वो खिड़कियों की जो बनावट है या खिड़कियों पर खिड़कियों का जो खिड़की खोलना बंद होना या इस तरह का या रोशनी की तरफ या हवा की तरफ, तो उसी मुनासिबत से उसी हिसाब से वो बातें लिखी हुई हैं और जिसको अंग्रेज़ी में वुड कार्विंग कहते हैं और बाकी ये उर्दू वाले फूलकारी कहते हैं या नक्श व निगार कहते हैं वो। तो इस तरह से ये बेतहाशा सालों पहले से जो बनाते बनाते हुए आए हैं और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ हमारा अभी कुछ बल्तिस्तान से हमारे दूर इलाकों में जो किताबें लिखी हुई हैं वो भी लकड़ी के तख्तों पर, खुसूसन हम लोगों ने उसको देखा, तहकीक करके रिसर्च किया तो पता चला ये अखरोट की जो लकड़ी है या तख्ती है उन पर बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और उनमें आपने नाम सुना होगा स्तनगुर, कागुर, इस किस्म की जो किताबें हैं वो अभी भी वो तख्तों पर, तख्तों की शक्ल व सूरत किताबों की जो कागज़ी अवराक है उनकी तरह उनमें भी इसी तरह से लिखे हुए हैं। न सिर्फ कागज़ पर, न सिर्फ वो लकड़ी के ताख्तों पर, न सिर्फ उसके वो जो बीम है या और कोई जगह है उसके अलावा और भी बहुत सारे उस पर लिखते लिखते अभी हमें अभी बल्तिस्तान में आप देखें तो बल्तिस्तान के अंदर अब खुसूसन कदीम जो इबादत खाने हैं
और उन इबादत खानों में अभी मिसाल के तौर पर कदीम खानकाहें हैं, वो इमाम बारगाहें हैं, उन पर आप गौर से देखो तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बहुत सारे मतवल्लुक कलिमात लिखे हुए हैं और उन कलिमात के मुकद्दस इतने हैं वो मेरे ख्याल है दुनिया के दूसरे उनमें शायद कम हो। तो इस तरह से वो बल्तिस्तान में हर जगह पर आप गौर से गौर ना करें तो आपको तो वही लकड़ी नज़र आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये साढ़े गले लकड़ियों के कोई जगह है। अब आप गौर से देखें तो उनमें वो हमारे कदीम वो जो तमाम मुकद्दस कलिमात वो खोद कर लिखे हुए हैं और वो उसको उस अंदाज से खूबसूरत अंदाज से लिखे हैं कि इंसान देखते देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ही खूबसूरत फूल है, जिस तरह गुलाब के नित नए डिज़ाइनों के फूल है या दूसरे जो खुबानी के फूल है और नाशपाती के फूल है, सेब के फूल है वगैरह वगैरह, इस तरह के आपको खूबसूरत खूबसूरत नज़र आएंगे।